तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त टेक्निकल शुभम। तो जैसा कि आपने जानते ही होंगे कि अभी बिहार स्टेट की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो अपने स्टेट का स्मार्ट राशन कार्ड लेके आएंगे। बहुत ही जल्द आपको राशन कार्ड बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अपने स्टेट का कैसे आप स्मार्ट राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अच्छी तरह समझ सकें। राशन कार्ड डाउनलोड करना के लिए सबसे पहले आपको NFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और आपको आगे का प्रोसेस मैं आपको इन्हें बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में अपने फ़ोन या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली आपको NFSA की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, राशन कार्ड के ऊपर सिंपली यहाँ पे कर्सर लेके आना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे वी राशन कार्ड डैशबोर्ड या वी राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल। आपको सिंपली स्टेट पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्ट वेबसाइट पे आ सकते हैं, आपको पिछले वाली वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आप जिस भी स्टेट से आते हैं आपको वो स्टेट ओपन कर लेनी है। जैसे मैं आपको बिहार का दिखाता हूँ, तो सिंपली बिहार पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऐसा पॉपअप मैसेज आएगा। अब आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद सामने ऐसी वेबसाइट आएगी। अब आपको यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर आप सभी डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं तो आप ऑल पे कर देंगे। अगर आप जैसे पटना सेलेक्ट करते हैं और हम शो करते हैं तो हमें सिर्फ पटना का ही शो होगा। पटना यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, रूरल में इतने हैं और अर्बन में इतने हैं। यहाँ आपके कार्ड की स्कीम मिल जाएगी कि आप कितने कौन सी स्कीम में कितने कार्ड बने हैं। मैं आपको टोटल मेंबर दिख जाएंगे। अब आप सिंपली हम अर्बन का देखना चाहते हैं, अगर आप अर्बन से आते हैं तो हम पटना एम को ओपन करेंगे। अब यहाँ आपको FPS का नेम मिल जाएगा, यहाँ मतलब आपको जिसके नाम पे राशन कार्ड बना था उसका नाम मिल जाएगा। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ आपको मतलब वहाँ आपको गांव का नाम मिलेगा, यहाँ आपको राशन कार्ड नंबर, यहाँ राशन कार्ड जिसके नाम पर बना है यहाँ उसका नाम, यहाँ आपको कार्ड टाइप दिख जाएगा कि आपका कौन सा टाइप का कार्ड है, यहाँ फादर नेम, यहाँ फैमिली मेंबर कि कितने मेंबर हैं। तो हम सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं राशन कार्ड पर। अब आप जैसा कि देख सकते हैं राशन कार्ड की विवरण, यहाँ आपको राशन कार्ड दिख जाएगा, यहाँ आपको फैमिली फ़ोटो दिख जाएगी जिनका राशन कार्ड है, यहाँ आपको राशन कार्ड संख्या, यहाँ आपका कार्ड का प्रकार दिख जाएगा, यहाँ जिसके नाम पे कार्ड है वो, यहाँ उसका एड्रेस पूरा, और सिंपली नीचे दो मेंबर के नाम दिख जाएंगे जितने मेंबर आपने ऐड कर रखे होंगे। यहाँ आपको प्रिंट पेज पे क्लिक करना है तो आप इस पेज को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अभी हमें कहीं पे भी स्मार्ट राशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिखा है, जिसका मतलब अभी तक बिहार गवर्नमेंट ने यह ऑप्शन या उसकी नई वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं की है। जब लॉन्च कर दी जाएगी तब हम आपको डायरेक्ट फटाफट आपको उस पर वीडियो बना के आपको दे देंगे ताकि आप अपना आसानी से स्मार्ट राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम किसी और स्टेट का देखते हैं, तो हम सिंपली इसका कट करने के बाद इस पर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है तो हम हिमाचल प्रदेश पर सिलेक्ट करेंगे। पॉपअप मैसेज आकर आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। ये सिर्फ अभी कुछ ही स्टेट में है, अभी ज़्यादातर बिल्कुल भी स्टेट में नहीं है। सिर्फ अभी हिमाचल प्रदेश में ही स्मार्ट राशन कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है, बाकी अभी किसी भी स्टेट में नहीं है। जैसा कि अभी कोई अपडेट आता है कि कौन सी स्टेट देने वाली है तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे और आप उससे देख के आसानी से अपना स्मार्ट राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं अभी हिमाचल प्रदेश की साइट भी नहीं ओपन हो पा रही है क्योंकि इसमें टेक्निकल एरर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही लॉन्च की गई थी तभी लोगों ने डाउनलोड करना चालू कर दिया था अपना स्मार्ट राशन कार्ड, जिन जिन लोगों को पता चलता था कि कैसे डाउनलोड कर लेना है। सो उसी की वजह से साइट क्रैश हो चुकी है। अभी इसको
कुछ देर बाद ठीक कर दिया जाएगा, रिपेयर हो जाएगी। तो जैसे ही ये साइट सही चल पड़ती है तो मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपना स्मार्ट राशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ इसमें डाउट होता है तो आप सिंपली हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले